आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है यूपी 65 और इस कहानी को लिखा है निखिल साचान जी ने। चलिए आज हम यूपी 65 के दूसरे एपिसोड की ओर चलते हैं। मैं पापा को गेट तक छोड़कर आया तो कमरा नंबर 3 पर हाय तोवा मचा हुआ था। मैंने पांडे से पूछा तो पता लगा कि मुंबई से आई एक गोरी चिट्टी फैमिली इस बात पर अड़ गई है कि उनका लड़का संदीप सिंह के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। अरे गोरा एकदम गुड्डे जैसा लड़का है, उसके भाव बिदक गए हैं कि रूममेट चेंज करना होगा। बेचारा सारनाथ का ठेठ गवैया लड़का है, करिया ऐसा कि उसके आगे डामर फेल है, पांडे ने मुंह बनाते हुए कहा। इस बात से अनभिज्ञ की वह भी रंग से सांवला है और गोरा नहीं है। हालांकि यह अलग बात है कि हिंदुस्तान में हर सांवला इंसान खुद को गेहुआ कहलाना पसंद करता है। काला है तो क्या हो गया, मैंने पांडे को झिड़कते हुए कहा। अरे बाहर मत निकलो नहीं तो तुम्हें को पकड़ लेंगे, वे रूममेट ऐसे खोज रहे हैं जैसे आदमी अंधेरे में मोमबत्ती खोजता है। मैं पांडे की बात अनसुना करके बाहर आया तो वहां उसकी मम्मी मंझले सुर में सुबक रही थी। नजर मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखें चमक सी गईं। बेटे वुड यू प्लीज शिफ्ट विद समीर। नो आई ऑलरेडी हैव अ रूममेट। नहीं बेटे, आपके साथ उसका भी थोड़ा वेवलेंथ मैच हो जाएगा ना। ही हैज नेवर बीन अलोन एक्चुअली। आंटी आगे बढ़ी। नहीं आंटी, आई डोंट थिंक दैट वार्डन विल लाइक दिस। मैं पीछे हटा। ही स्पीक सम काइंड ऑफ भोजपुरी आई गेस। समीर तो समझेगा भी नहीं बेटा। आंटी और आगे बढ़ी। He will be totally fine, trust me। और मैं फटाफट रूम में अपने कमरे की ओर भाग लिया। पांडे पेट फाड़ कर हंस रहा था, हठास ऐसा कि स्वरूप नगर की रामलीला का रावण याद आ जाए। अबे हम बोल रहे थे कि उधर मत जाना। उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि भोजपुरी बोलने वाला लड़का उनके लड़के को कहीं खा खू ना जाए। वो जैसे ही बेसिन पर डेटॉल से सेब धोने आया, हम समझ गए कि यह लौंडा यहां गजब मजा दिलाने वाला है। अबे सेब को सेप्टिक से कौन धोता है बे? इसका बाप भी बद्दी वाली चेक पैंट पहनते हैं जैसे रबर का गुड्डा हो। चलो बे घूम के आते हैं। प्रसाद बता रहा था कि अब की गजब गजब नमूने आए हैं इस बैच में। प्रसाद कौन? अबे तुम प्रसाद से नहीं मिले? चलो सबसे पहले तुमको उसी से मिलाते हैं। वो देखो कमरा नंबर 11 के दरवाजे पर नीली स्लीवलेस में जो लौंडा खड़ा है वो है प्रसाद और उसके बगल में मोहित। पांडे ने आगे बढ़कर दोनों से हाथ मिलाया और हमारा इंट्रो जैसा कुछ करवाया। अगर मैं एक लाइन में प्रसाद का खाका खींचूं तो उसकी सुपर पावर थी गप हांकना और लंत रानी झोंकना। मोहित की खासियत थी दुनिया भर की बेइज्जती करके प्रसाद को ऊंचे चढ़ाना। एक पतंग तो दूसरा ढील, जो एक कन्नी तो बछुड़ैया, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, दोनों बचपन के जिगरी थी और केंद्रीय विद्यालय से पढ़े थे। BHU 80 लंका सुसवाही में बचपन से खेले कूदे थे और इनके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वे दोनों एक दूसरे को वैसे ही पूरा करते थे जैसे सौरभ गांगुली के घटिया से शॉट को टॉनी ग्रेग की छाती पीट कमेंट्री पूरी करती थी। क्रिकेट के शौकीन लोगों को याद होगा कि गांगुली, जिसे कानपुर के लोग गांडुली बुलाते थे, जैसे ही स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ की ओर गेंद तान देता था
टोनी ग्रेग चिल्लाना शुरू कर देता था, ओ माय गॉड प्रिंस ऑफ कलकीटा गोज अगेन, देयर द बॉल गेट्स डांसिंग, इट्स हाई, इट्स हाई, इट्स डांसिंग इन द स्काई, ओ माय गॉड इट्स गोना वेनिस, व्हाट अ क्लास प्रिंस ऑफ कलकीटा। और इतने में ही वही ओलंगा छाप क्रिकेटर कैच लपक लेता था और गांडुली कलकीटा वापस। टोनी ग्रेग और गांगुली की तरह मोहित और प्रसाद इतने घनिष्ठ थे कि हमेशा साथ ही पाए जाते थे, जैसे पुराने जमाने के राजा महाराजा बिना दरबारी कवि चारण के अधूरे होते थे, प्रसाद मोहित के बिना अधूरा था। और पांडे बीएचयू घूमे तुम लोग या अभी मौका नहीं लगा, प्रसाद ने पूछा। वह हाथ झुलाते हुए हमारे पास आया। अभी अकेले सेफ होगा, पांडे ने पूछा। सेफ काहे न होगा जी, रैगिंग से डर रहे हो, कैसे इलाहाबादी हो बे? डर नहीं रहे हैं, देखो हमारा सीधा हिसाब है कि फैलने उतना ही दो जितना पतीले में झोल हो, इससे ज्यादा में तो हम उबल जाते हैं। सीधी साफ बात है, मार दे मर जाओ। अरे पंडित ढेर जोश में नंगा करके दौड़ाते हैं यहाँ, मोहित ने प्रसाद को बैकअप दिया। जुगनू बना देते हैं यहाँ, जुगनू समझते हो रे पंडित, प्रसाद ने मोहित के तीर पे फॉलोअप लिया। जुगनू, पांडे की त्योरी चढ़ी हुई थी। हाँ जुगनू, अगरबत्ती खोस देंगे पंडित जी पिछवाड़े में, फिर नचवाएंगे बत्ती बुझा के, प्रसाद ने कहा। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा 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 आजा, मोहित ने इको दिया। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार अनु मलिक, सिंगर अलका याग्निक, फिल्म आरजू। समझे पंडित जी, प्रसाद ने कहा। रैगिंग, पांडित दुबला हुआ जा रहा था और मैं भी। कानपुर होता तो मजाल किसी की जो कपड़े उतरवा लेता, मैंने जी कड़ा करते हुए कहा। इतने में तो कट्टा चल जाए बर्रादों में। अच्छा तुम कानपुर से हो, उसकी और प्रसाद की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों कानपुर में ऐसा भी क्या है, मेरा दिल सिकुड़ के गुजिया हो रहा था। कानपुर वाले सबसे लंबा नपते हैं यहां, रोल कॉल होगी सबसे पहले कानपुरियों का ही नंबर आता है। पिछले साल विवेक मिश्र करके एक लड़का था कानपुर से, राघवेंद्र सिंह ने उसको उमराव जान बना दिया था। बाकायदा 15 दिन उसकी मुजरा ट्रेनिंग चली थी और फिर धनराजगिरी हॉस्टल में मैदान पे लाइट और तख्त उखत सजाओ के उसका शो लगा था। पोस्टर छपे थे, कमरे कमरे पर्चे बटे थे। आपके शहर में पहली बार अखिल भारतीय महान उद्घाटन, कानपुर की कटीली नचनियां आ रही हैं, आवा देखो महाराज, प्रसाद बोला। चिकना था वो भी, मोहित ने मेरी तरफ आंख टेढ़ा करके कहा। ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी करवा सकता है कुछ भी, मैंने मजबूती से कहा। करवाने को तो करवा ही सकता है, लेकिन उसकी नौबत ही क्यों आए। कुल मिलाकर 3750 रुपये का इनाम हुआ था विवेक मिश्रा पे। 4-6 महीने घर से पैसा मंगाने की नौबत नहीं आई थी विवेक मिश्रा को। 101 का व्यवहार तो हम खुद ही किए थे, प्रसाद ने शान से कहा। तुम भी आई थी मुजरा देखने? तब क्या, बीएचयू घर है हमारा, राघवेंद्र सिंह मेरा ही चलवा है। उसका 2 साल पहले जेई निकल गया तो सीनियर हो गया, वो कोटा निकल गया था और हम यहाँ रा और झासर के यहाँ दूसरी सीट पर बैठ के प्रियंका मोहन की कमर का टैटू देखते रह गए, तितली वाला। नहीं तो बेटा हम भी 3rd ईयर में होते, क्या पता आज हम तुम्हारे सीनियर होते और तुमको पंडित जी के साथ नचवा रहे होते। मैं रैगिंग देने नहीं जाऊंगा, कंप्लेन कर दूंगा और किसी ने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो। हाँ और नहीं तो क्या, मजाक है क्या? मार देव मार जेब, पांडे ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। ये गजब कभी ना करना पंडित जी, आते ही क्रांति की बातें ना करूं। क्रांति करवाओ पड़ोसी से, खुद मत करो। चाचा नेहरू बनके गुलाब का फूल खोस लो और नेतागिरी करो। भगत सिंह बनके असेंबली में घुसोगे तो फांसी पे लटका दिए जाओगे गुरु। रैगिंग नहीं देनी तो मत देना, बस मेरा और मोहित का नाम बता देना, कोई कुछ नहीं कहेगा। रैगिंग तो यहाँ त्योहार जैसा होता है जी, जज्बाती होके विभीषण छाप विलाप काहे कर रहे हो,
मोहित ने कहा। हम तो हर हॉस्टल में रैगिंग दे आए, केमिकल सेकेंड ईयर वाले खुद को बहुत डोप समझते हैं। गिलेस्पी गिलेस्पी करके एक लौंडा है, घुंघराले बाल वाला, आईब्रो में बाली पहनता है आँख के ऊपर। साला हमको बोला कि शर्ट उतार, हम सीधे पैंट उतार दिए। चड्डी भी खोलने ही वाले थे कि खुद ही हाथ जोड़ लिया। साला हमारा रैगिंग ले रहा था, हम खुद उसका रैगिंग ले लिए, प्रसाद बोला। मैं चुपचाप उसे सुन रहा था और यह गुत्थी हल करने की कोशिश कर रहा था कि खुद की पैंट उतार देने से सामने वाले की रैगिंग कैसे हो गई। हां, पर इस बात का सुकून जरूर था कि प्रसाद और मोहित से दोस्ती हो गई और शायद अब रैगिंग से बच भी जाएंगे। प्रसाद मुझे बाकी के लड़कों से मिलाने ले जा रहा था, पर मैं 15 नंबर से आगे नहीं गया। मैं उसकी बात टाल गया। पांडे की हिदायत अभी भी मेरे दिलो दिमाग में सुरक्षित थी। अब जो तुम यदि पढ़ लिख कर नासा पहुंचने के इरादे से आए हो तो फिर 16 नंबर कमरे तरफ मत जाना। मैंने कदम वापस खींच लिए और अपने कमरे में वापस आ गया। राजपुताना हॉस्टल दिन चढ़ते गुलजार हो रहा था। मैं आते जाते लोगों को देख रहा था, तरह तरह के लोग। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी मजेदार लग रही होगी। इस तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज। अभी इस कहानी के कई एपिसोड्स बाकी हैं।